हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में बात करने वाले हम ग्रुप बाय के बारे में। ग्रुप बाय एंड पांडास सिमिलर टू एसक्यूएल ही है, जो एसक्यूएल में हम ग्रुप बाय करते हैं। और मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा डीप तक, एंड गारंटी ये है कि आपको इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ पहले अपना डेटा सेट क्या है। इम्पोर्ट कर लेते हैं डेटा सेट को एक बार, है ना। तो ये मैंने फटाफट से करने के लिए लिख रखा था, तो ये मैंने डेटा सेट अपना जो है वो लोड कर लिया है। अब इस डेटा सेट में क्या है कि अलग अलग सिटी के हिसाब से, उनका डेट के हिसाब से टेम्परेचर दिया है, आप देख सकते हो, एंड अदर चीज़ें दी हैं जैसे वाइंड स्पीड, इवेंट डे, है ना। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है। अब मेरे को अगर कुछ चीज़ परफॉर्म करनी है फॉर ईच सिटी, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ग्रुप बाय का। कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। मैंने जी में मान लो स्टोर करा लिया, डी एफ डॉट लिखा मैंने ग्रुप बाय, और कॉलम का नाम लिख दिया, कॉलम का नाम था सिटी, है ना। ठीक है, जब मैंने प्रिंट कराया जी को, तो इसने ये डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, डेटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट पूरा ग्रुप बाय का स्टोर करा दिया जी में। किसके बेसिस पे? सिटी के बेसिस पे, सिटी के बेसिस पे। ठीक है ना, समझ में आई बात? सिटी के बेसिस पे इसने क्या किया, अभी और क्लियर हो जाएगी कैसे। जो उसकी की है वो सिटी होंगी, और अंदर का जो डेटा है वो हम देखेंगे। मैं एक बार प्रिंट करा कर दिखाता हूँ कैसे। ये हमें एक फंक्शनलिटी देता है, फॉर मैंने जैसे दिया सिटी कॉमा डेटा इन जी प्रिंट प्रिंट सिटी सिटी एंड प्रिंट डेटा फ्रेम डेटा। ये मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया है, देखो। अब मैंने इसको, अगर डेटा को रिट्रीव करना है, तो मैंने क्या किया है पूरा डेटा प्रिंट कराने के लिए, कि ये जो जी है हमारा, जो हमने ग्रुप बाय से जो ऑब्जेक्ट बनाया है जी, उसमें हमें दो चीज़ मिलती हैं। एक तो मिलती है की, कि किसके बेसिस पे हमारा ग्रुप हुआ है, और दूसरा उस की का डेटा। जब हम इसको लूप में लगाते हैं, तो जो फर्स्ट वाला आता, फर्स्ट वाली जो हमारी की है वो इसमें स्टोर हो जाएगी, और जो डेटा फ्रेम है वो डेटा में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बस कुछ नहीं किया, सबके लिए प्रिंट करा दिया। तो क्या हुआ, पहली हमारी की थी मुंबई, क्योंकि जो हमारा ग्रुप हुआ पहला, उसने सबसे पहले ग्रुपिंग करी मुंबई के बेस पे। तो पहली थी सिटी मुंबई, देन डेटा फ्रेम था मुंबई का ये, मतलब कहाँ कहाँ, अगर मुंबई के बेस पे मैंने ग्रुप किया तो इन इन दिन पे मुंबई आ रहा था। ठीक है, टेम्परेचर उसका ये रहा उस दिन का, वाइंड स्पीड ये रही, इवेंट ये रहा। ऐसे ही फिर सिटी आ गई न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बेस पे ग्रुप किया, फिर आ गई सिटी पेरिस, उसके बेस पे ये किया। ठीक है, इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि प्रिंट कैसे कराना है। अब अगर मेरे को हर चीज़ का मिन मैक्स सारे फंक्शन एक बार लगा के दिखाता हूँ, देखना है तो कैसे देखते हैं। अगर मैंने मिन लगाया इसमें मिनिमम, तो इसने हर चीज़ मिनिमम दे दी। जैसे मुंबई में टेम्परेचर ये रहा मिनिमम, वाइंड स्पीड ये रही, इवेंट सबसे कम ये हुआ, ऐसे इसने अदर सिटीज़ के हिसाब से दे दी। और देख लेते हैं मैक्सिमम, देख लो, तो इसने सबका मैक्सिमम बता दिया। ठीक है, साइज़ देख लेते हैं, इसने टोटल रोज साइज बता दिया। ठीक है, टोटल नंबर कितना साइज आ रहा है, ठीक है, और डेटा टाइप का क्या आ रहा है, इंट 64। ठीक है, काउंट, अब देखो साइज और काउंट में क्या डिफरेंस है। साइज में ये टोटल बता रहा है कि कितने इसमें आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमें दिख गए, ये इतने इतना पूरा टोटल साइज कवर कर रहा है। इंटीजर 64 टाइप का है, इसने चार साइज ऑक्यूपाई किया, इसने भी चार किया, क्योंकि आप देख सकते हो ये चार चार है ना, चार चार है ना। तो ये साइज बता रहा है टोटल, कि टोटल साइज कितना है ना। फिर उसके बाद अगर मैं काउंट काउंट देखूँ, तो काउंट क्या है, काउंट टोटल बता रहा है कि टोटल, जैसे मुंबई है उसमें डे कितने आ रहे हैं, टोटल टेम्परेचर कितने आ रहे हैं, टोटल वाइंड स्पीड कितने आ रहे हैं, टोटल इवेंट कितने आ रहे हैं, ये उसका काउंट है, उस हिसाब से बता रहा है ये। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मीन देख लो,
सबका इसने मीन बता दिया, टेम्परेचर का मीन इतना था, वाइंड स्पीड का मीन इतना था, ठीक है। मीडियन देख लो कि मुंबई में टेम्परेचर का मीडियन इतना रहा, इसका वाइंड स्पीड का इतना रहा, है ना। ऐसे ही काफ़ी सारे ऑपरेशंस और भी देख सकते हैं हम, है ना। ये सब क्लियर हो गया, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। और अगर टोटल देख रहा है तो डिस्क्राइब लगा दो इस पर, ठीक है। डिस्क्राइब से इसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि काउंट क्या रहा, मीन क्या रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम कितना है, 25% ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेटिक्स में इसलिए मैंने पढ़ाई थी इससे आपको समझ में आ जाए। अब इसमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आ रही हो, 25% क्या होता है, 50% क्या होता है, 75 क्या होता है, क्वार्टाइल भी आप हाल निकाल सकते हो इसको इसमें से माइनस करके, है ना। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए स्टेटिक्स में पढ़ाया था इससे डिस्क्राइब फंक्शन समझ में आ जाए। तो ये पूरा इसने बता दिया, ठीक है, इतनी चीज़ भी हमको समझ में आ गई, ठीक। अब क्या करना है, अब एक बार इसको मैट प्लॉट लिप से भी एक बार मैं दिखाता हूँ प्लॉट करके। इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई डॉट SPLT एंड इसमें मैजिक लाइन लिखनी पड़ती है, याद नहीं मुझे, लिख देता हूँ मैट प्लॉट लिप इनलाइन, मैट पाई प्लॉट है ना, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसको प्लॉट करना है तो कैसे कर सकते हैं, जी डॉट प्लॉट लिखना है सिंपली, और कुछ नहीं लिखना, सॉरी ठीक है। तो सब मैंने जी डॉट प्लॉट लिखा तो इसने पूरा प्लॉट करके दे दिया, ये टेम्परेचर है, ये वाइंड स्पीड है मैट प्लॉट लिप से, ठीक है, तीनों सिटीज़ के लिए, क्योंकि हमने ग्रुप किया था ना, तो ये इसने हमको प्लॉट करके भी दे दिया। चलो ठीक है, अब ये तो हमें बात समझ में आ गई, ग्रुपिंग हमने करी किसके बेस पे, कीज़ के बेसिस पे। अब हम चाहते हैं कि कुछ ग्रुपिंग हम अपने हिसाब से करें, तो मैंने जैसे लैम्डा फंक्शंस भी आपको पढ़ाए थे, तो लैम्डा फंक्शन वाली एक बार वीडियो देख लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं हम, ये बताता हूँ मैं कि क्या करने वाला हूँ मैं। तो अब देखो, अभी पहले इस फंक्शन को मत देखना, पहले इसको देखो, df डॉट ग्रुप बाय, जी में स्टोर करा रहे हैं हम, ग्रुप बाय कर रहे हैं। कैसे ग्रुप बाय कर रहे हैं, मैंने एक एक्सप्रेशन पास किया वेयर एक्स इज, ये फंक्शन पास कर दिया ग्रुप अपर, है ना। और इस फंक्शन में तीन चीज़ें पास करी हैं, एक तो डेटा फ्रेम, ठीक है, एक्स, ठीक है, एंड टेम्परेचर। बात समझ में आई क्या क्या चीज़ें पास हो रही हैं, समझ में आई ना। फॉर ईच एक्स हमने क्या क्या पास किया, डेटा फ्रेम पास कर रहे हैं, एक्स पास कर रहे हैं, वही एक्स एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो जब मैं बात करूं तो ये कैसे कैसे पास होगा, डेटा फ्रेम की जगह डेटा फ्रेम पास हो गया, ठीक है। एक्स की जगह क्या पास होगा, एक्स की जगह हम एक एक जगह पे इटरेट करा रहे हैं, इटरेट करा रहे हैं ना, क्योंकि जब अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये 1 बाय 1 इटरेट कराएगा, तो ये क्या, इंडेक्स, ये गया इंडेक्स में। और हमने अपने कॉलम का नाम दे दिया टेम्परेचर। अब फंक्शन को समझते हैं मैंने क्या किया, इस फंक्शन में अगर 80 से लेस देन है df का कॉल, कॉल मीन्स टेम्परेचर, मतलब डेटा फ्रेम का ये जो हमारा, एक बार मैं डेटा फ्रेम भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, ये हमारा डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में अगर 80 से लेस देन है df का कॉल, कॉल में क्या पास हुआ, कॉल में पास हुआ हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब डेटा फ्रेम का टेम्परेचर, की लोकेशन, लोकेशन IDX, लोकेशन मैंने आपको बताया था लॉक क्या करता है, IDX मतलब लेवल के हिसाब से ट्रेस करता है। तो लेवल हमारा क्या पास होगा, सबसे पहले 0 पास होगा, तो उसने देखा 0th लोकेशन पे, 0th लोकेशन पे क्या है, 32, ठीक है। अब इसने 32 देखा, क्या ये 80 से बड़ा है और 90 से छोटा है, अगर है तो हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, 80 to 90। अगर ये 50 एंड 60 के बीच में, तो रिटर्न करा रहे हैं 50 to 60, एंड अदरवाइज रिटर्न करा रहे हैं अदर्स, ठीक है, के अदर टेम्परेचर्स में है। तो हमने क्या किया, अपनी ग्रुपिंग इस हिसाब से करी
80 से 90, ये क्योंकि हमने ग्रुप बाय में पास किया है ना, तो अगर 80 से 90 के बीच में टेम्परेचर आ रहा है तो रिटर्न कर देगा 80 to 90 ग्रुपिंग में, एल्स इफ अगर 50 से 60 आ रहा है तो 50 से 60 के बीच रिटर्न कर देगा या फिर अदर्स। ठीक है, एक बार हाथ से टाइप करके देखना पड़ेगा तो और क्लियर हो जाएगा, और मेरी सारी वीडियोस फॉलो करनी पड़ेंगी तो ये क्लियर होगा आपको, है ना। तो उस हिसाब से हमने ग्रुपिंग करी है। अब मैं ज़रा अगर इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ तो यही कोड कॉपी कर लेते हैं। जी हमारा बन चुका है ना, तो मैं यही कोड से एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ। अब जब मैंने ग्रुपिंग कराई तो ये किस बेस पे ग्रुपिंग हुई, अब देख सकते हो जो की आ रही है वो आ रही है 50 से 60। पहले क्या थी, सिटी थी की, अब हमने खुद की दी, तो ये सिटी नहीं, यहाँ पे टेम्प कर देते हैं, टेम्प है ना। अब देखो टेम्परेचर 50 से 60, 50 से 60 के बेस पे पहले इसने ग्रुप किया, तो आप देख सकते हो पहला 50 या 54 आया पेरिस में इस स्टेट को, फिर आया टेम्परेचर 80 to 90, वो डेटा फ्रेम में आया, किस बेस पे आया, 80 से लेके 90 के बीच में इन 3 दिन रहा मुंबई में, बाकी सारे जितने भी टेम्परेचर थे वो आ गए अदर्स में, आप देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट ग्रुप बाय, मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, इससे ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से बहुत है इतना पता होना ग्रुप बाय के बारे में, है ना, लगभग कवर ही हो गया पूरा ही। तो बस एक बार हाथ से ज़रूर कोड करके देखना, है ना। थैंक्स।